दोस्तों आज हम बनाने जा रहे हैं ग्रीन टी। ग्रीन टी के इस तरीके के पैकेट्स आते हैं जिसमें मोस्टली 25 टी बैग्स होते हैं। तो आप इस तरीके की जो ग्रीन टी होती है, जो बैग्स वाली होती है, उसी को यूज़ करें, ज़्यादा अच्छा रहता है। अदरवाइज बॉक्सेस में भी आती है, यानी डब्बे आते हैं उसमें भी ग्रीन टी आती है, तो उसे बनाने में आपको मेजर करने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो इस तरीके के जो होते हैं, बहुत सारे अलग अलग ब्रांड के होते हैं। आजकल आप देख रहे होंगे टीवी पे एडवर्टीजमेंट आता है लिप्टन ग्रीन टी का, वो भी ग्रीन टी बहुत अच्छी होती है। सारी जो ऑलमोस्ट जो ठीक ठाक रेट वाली, और आप देख सकते हैं मार्केट में जो रहेंगी ना, वो जो ये 25 टी बैग्स वाली होती हैं, वो ज़्यादा करके सभी टी ग्रीन टी होती है ना, वो अच्छी होती हैं। इसका प्राइस 150 पे पड़ा हुआ है और इसमें 25 टी बैग्स हमें मिलेंगे। तो ये हमारे पास ये बॉक्स है ग्रीन टी का, मैं इस्तेमाल करती हूँ। तो जिसका भी बड़ा हुआ वेट है, ये बहुत ही अच्छी एक चीज़ है। यानी कि ये चाय, आप जो दूध वाली चाय पीते हैं उसे चाय पीना आप बिल्कुल बंद कर दीजिए। आप ये काम 2 हफ्ते के लिए करके देखिए, आपको बहुत फ़र्क मिलेगा। अगर आप डाइटिंग वगैरह कर रहे हैं तो सुबह शाम 2 बार इस ग्रीन टी को लीजिए, सुबह और शाम में। यानी कि सुबह जब आप अपनी दूध वाली चाय लेते हैं तो उसकी जगह पे आपको ये लेना है, और शाम को आप खाने से पहले या फिर इवनिंग में ले सकते हैं, 6-7 बजे के आसपास इसे ले सकते हैं। बस इसका जो 1 कप होगा वो ही आपके लिए काफ़ी होगा जो है। तो चलिए देखते हैं इसे, अभी ये मैंने अनपैक नहीं किया है, तो इसे अनपैक करके देखते हैं। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि ये 2 साल के लिए रहता है, यानी इसकी जो एक्सपायरी डेट है वो 2 ईयर्स 24 मंथ्स जो है। पैकेजिंग से ये अच्छी रहती है, ख़राब नहीं होती है। ये इसके न्यूट्रिएंट्स लिखे हुए हैं, जो इसकी न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन होती है वो लिखी है। तो इसमें बहुत कम कैलोरीज होती हैं। और ये जो टी बैग्स होते हैं, इनको बस डायरेक्टली आप मतलब बना के इस ग्रीन टी को बस पी सकते हैं। अदरवाइज ग्रीन टी भी कई तरीके से बनती है। पर एक्सट्रीम वेट लॉस चाहते हैं तो मैं अभी आपको आगे बताऊंगी कि इसमें आप कुछ चीज़ें ऐड कर सकते हैं जो कि कम्प्लीटली ऑप्शनल हैं। तो इससे पहले हम खोल लेते हैं, ये देखिए बहुत ही अच्छी पैकिंग आती है इनकी। मैं अक्सर मेरे घर में ये ग्रीन टी आती है, जो मुझे बहुत ही अच्छी लगती है इनकी पैकेजिंग। इसमें ये एक बुकलेट टाइप की है, इसमें आप देख सकते हैं कि इसके कितने फ़ायदे लिखे हुए हैं। मैं आपको पास से दिखाती हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक र्यूमर्स है। देखिए सबसे पहला पॉइंट जो है इसमें, वो वेट लॉस का ही है। ग्रीन टी हेल्प्स टू इंक्रीज मेटाबॉलिज्म, द पॉलीफेनॉल प्रेजेंट इन इंटेंसिफाई द लेवल्स ऑफ फैट ऑक्सीडेशन एंड रेड एड विज द बॉडी टर्न्स फूड इनटू कैलोरीज। स्टडीज शो दैट ग्रीन टी हेल्प्स इन रिड्यूसिंग वेट एंड पर्टिकुलरली द एब्डोमिनल फैट। यानी कि जो खास कर ये पेट की जो चर्बी होती है उसे घटाती है, मेटाबॉलिज्म आपका बूस्ट करती है, बढ़ाती है। डायबिटीज़ वाले लोगों के लिए बहुत ही अच्छी है। ये लिखा हुआ है इसमें साफ साफ, ग्रीन टी हेल्प्स इन रेगुलेटिंग ग्लूकोज लेवल, स्लोइंग द राइज ऑफ ब्लड शुगर आफ्टर ईटिंग। दिस प्रिवेंट्स हाई इंसुलिन स्पाइक्स एंड रिजल्टिंग फैट स्टोरेज। यानी कि जब आप इस ग्रीन टी को लेना शुरू करते हैं तो आपका जो ग्लूकोज लेवल है वो बढ़ता नहीं है, रेगुलेट होना शुरू हो जाता है। और जब आप खाना खाते हैं तो अक्सर देखा जाता है खाना खाने के बाद में ग्लूकोज लेवल, शुगर लेवल बढ़ जाता है, तो ये उसे भी स्लो करता है। तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हार्ट डिजीज़। यानी कि अगर दिल से संबंधित कोई बीमारी है, जैसे कोलेस्ट्रॉल वगैरह है, हार्ट अटैक अगर किसी को हो चुका है, या ऐसा लगता है कि डॉक्टर ने बताया उसे कोई प्रॉब्लम, तो उसे भी ये ज़रूर लेना चाहिए। साइंटिस्ट थिंक ग्रीन टी हेल्प्स द लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स टू कीप देम स्टे रिलैक्स्ड एंड बेटर एबल टू विदस्टैंड चेंजेस इन ब्लड प्रेशर। इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट द फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट्स विच लीड टू द प्राइमरी कॉज ऑफ हार्ट अटैक। देखिए अभी मैंने जो बताया एग्जैक्टली इसमें वही लिखा हुआ है, यानी कि जो ब्लड क्लॉट्स होते हैं उसे ये नहीं बनने देती है, जिसकी वजह से जो हार्ट अटैक आने के चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं। कोलेस्ट्रॉल जो मेजर पार्ट है हमारा हार्ट अटैक में, तो इसे भी ये रिड्यूस करता है, जैसे लिखा भी है, मैं बताती हूँ आपको पढ़ के। ग्रीन टी रिड्यूसेस बैड कोलेस्ट्रॉल इन द ब्लड एंड इम्प्रूव्स द रेशियो ऑफ गुड कोलेस्ट्रॉल टू बैड कोलेस्ट्रॉल। यानी कि ये बैड जो बुरा वाला कोलेस्ट्रॉल होता है उसे घटाता ही है, साथ ही साथ में जो रेशियो होता है उसे भी ये बढ़ाता है। यानी गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल को गुड कोलेस्ट्रॉल में ये
धीरे धीरे कन्वर्ट से करता है। डिप्रेशन, अगर आपको जो है लगता है कि आपका जो माइंड है यानी स्थिर नहीं रहता है, डिप्रेस्ड रहते हैं आप, तो भी आपको ये ग्रीन टी जरूर लेनी चाहिए। ब्लड प्रेशर से रिलेटेड कोई भी आपको प्रॉब्लम है, खासकर हाई ब्लड प्रेशर, जिसको आजकल ये बहुत आम समस्या है हाई ब्लड प्रेशर, तो उससे भी लेना चाहिए हाई ब्लड प्रेशर। इसके साथ साथ अगर ये सारी कोई बीमारी आपको नहीं है, आपको वेट लॉस भी नहीं करना है, इसके बाद भी अगर आप लंबे टाइम तक एकदम सुंदर रखना चाहते हैं, एकदम जवान दिखना चाहते हैं, आपकी स्किन एकदम तरोताज़ा रहे, उसके लिए देखिए इसमें स्किन केयर के लिए भी ग्रीन टी जो है बहुत ही अच्छा, क्योंकि इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, विटामिन सी होती है, फोलिक एसिड होता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटीज होती हैं, तो आपको जो है ये भी लेना चाहिए। और जब आप ग्रीन टी लेते हैं तो ये आपके जो है सन डैमेज को रिड्यूस करता है। स्ट्रेस है अगर आपको, तो भी देखिए थियामिन प्रेजेंट्स इन ग्रीन टी प्रोड्यूसेस कामिंग इफेक्टिव, सो वी कैन से दैट इनटेक ऑफ ग्रीन टी हेल्प्स इन रिड्यूसिंग स्ट्रेस लेवल, तो स्ट्रेस लेवल को भी ये घटाता है। तो देखिए बहुत ही अच्छी ये बुकलेट इन्होंने दी हुई है, इसमें बहुत ही कमाल के ये जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं। तो 100% नेचुरल इंडियन टी है। तो ये था हमारा मतलब ग्रीन टी के बारे में, इन शॉर्ट में ये लिखा हुआ है, वेट लॉस, डायबिटीज़, हार्ट अटैक, कोलेस्ट्रॉल, डिप्रेशन, ब्लड प्रेशर, स्किन केयर, स्ट्रेस, तो देखा आपने एक जो ग्रीन टी है वो कितनी काम आती है। ये देखिए बड़े ही सुंदर इसके बैग्स हैं इसमें, ये देखिए। तो चलिए इसे बनाने का प्रोसेस देखते हैं। सभी में बनाने का प्रोसेस पीछे लिखा हुआ है, प्रिपरेशन मेथड दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो हम पानी गर्म करेंगे, क्योंकि पानी गर्म करने से ही इसकी शुरुआत होती है। दोस्तों ग्रीन टी पीने से ज़्यादा ज़रूरी है उसके बारे में पता होना, आपको सही जानकारी कि ग्रीन टी आखिर होती क्या है, क्या इसके फ़ायदे हैं एक्चुअल में। मैंने आपको अपने मन से, आप ऐसे बताती तो शायद आप बिलीव नहीं करते, लेकिन आप खुद देख पा रहे हैं, आप गूगल भी जाके कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने आधा कप यानी कि 120 ml के लगभग पानी ले लिया है। तो आप जितना पीना चाहें, आप ग्लास में आधा ग्लास बना सकते हैं, अपने चाय वाले कप में पी सकते हैं, या फिर किसी भी जिसमें आप इसे पीना पसंद करें उसमें पी सकते हैं। सबसे पहले हमें पानी को गर्म करना है, अच्छे से गर्म कर लीजिए, ज़्यादा इसे बॉयल नहीं करना है आपने। तो यहाँ से मैंने ग्रीन टी के बारे में आपको थोड़ा डिटेल में समझाया है, क्योंकि इसे जानना बहुत ज़रूरी होता है आपको यकीन करने के लिए। अदरवाइज़ बहुत सारे कमेंट्स मुझे मिलते हैं, लोग यही बोलते हैं कुछ नहीं होता है इससे, कुछ नहीं होता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बहुत कुछ होता है। मैंने अपनी बॉडी पे भी इसे यूज़ किया हुआ है और मुझे बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। तो आप लोग भी इसे ज़रूर लीजिएगा। पानी को हम गर्म करते हैं, उसके बाद मिलते हैं। पानी काफ़ी अच्छे से देख पा रहे हैं गर्म हो गया है, बॉयल पर लगभग आने ही वाला था, मैंने गैस को कर दिया है ऑफ। तो मैंने ले लिया है एक कप। अब चलिए देखते हैं, एक टी बैग हमने निकाल लिया है, इसे खोल लेंगे, कुछ इस तरीके से खुलता है ये, देखिए बड़ा ही आसान है इसे बनाना। तो देखिए कितना बढ़िया ये बैग है हमारे पास में, बहुत आसान है, आप इसे दिन में 2 से 3 कप भी इंजॉय कर सकते हैं। बस आपको चाहिए गर्म पानी, तो आप जो हॉट बॉटल्स होती हैं उनमें इसे रख सकते हैं। तो सबसे पहले इस तरीके का कप लेना है, उसमें आपको ये टी बैग इस तरीके से डाल देना है, और इसके बाद इसमें डालेंगे हम गर्म पानी। जितना पीना चाहें ले सकते हैं, पर कम से कम 100 ml ज़रूर लीजिएगा। अब इसे हम 2 मिनट के लिए छोड़ेंगे, 2 मिनट के बाद में ये जो ग्रीन टी है अपना इसमें काम दिखाएगी इस पानी में। और तो मेरी मानिए, अगर आप जल्दी से जल्दी वेट लॉस चाहते हैं, अच्छा खासा वेट लॉस आपको करना है, तो आप इसे कम 2 से 3 बार तो ज़रूर लीजिए, मिनिमम 2 बार, मैक्सिमम 3 बार। अब धीरे धीरे आप देखेंगे कि जो इसका कलर है वो चेंज होना शुरू हो जाएगा, देख पा रहे हैं ना, येलोनेस आ रही है यानी पीलापन थोड़ा आ रहा है। तो इसे 2 मिनट लगेंगे, इसे बहुत ज़्यादा गर्म पीने की ज़रूरत नहीं होती है, तो 2 मिनट आप इसे रखेंगे तो ये आपका जो पीने लायक है वो भी हो जाएगा ठीक से। अब मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ दूसरा पॉइंट, कि अगर आपको इसे एकदम फैट कटर वाली ड्रिंक बनाना है, और अगर आपको जो है एलर्जी नहीं है नींबू से, तो इस चाय में अगर आप आधा नींबू मिलाएंगे और साथ ही साथ आधा चम्मच शहद मिलाएंगे, तो दोस्तों पूछिए ही मत ये कितनी ज़्यादा कमाल की ड्रिंक बन करके तैयार हो जाएगी। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं, यानी कि अगर आपको नींबू से एलर्जी है,
तो आप नींबू मत लीजिए। जो डायबिटिक वाले लोग हैं वो शहद नहीं लेना लेंगे, यानी उनको शहद नहीं लेना है। तब आप इसे ऐसे ही इंजॉय कर सकते हैं जैसे मैंने अभी आपको दिखाया है यहाँ पर। बट अगर आपको इन सब चीज़ों से कोई परेशानी नहीं है, तब आप आधा नींबू, मीडियम साइज़ का, अच्छा खासा साइज़ का जो नींबू होता है उसे आधा नींबू, अगर छोटा है तो एक नींबू नींबू डालिए, आधा चम्मच या एक छोटी चम्मच शहद डालिए, इसमें मिलाइए, और इसी स्टेज पे मिलाना है इसमें, और इस ग्रीन टी को फिर आप इंजॉय करेंगे। तब आपको जो इसके रिजल्ट्स हैं ना वो बहुत कमाल के देखने को मिलेंगे, क्योंकि नींबू है जो विटामिन सी से भरा हुआ होता है और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं इसमें बहुत सारे, साथ ही साथ ये नेचुरल फैट कटर की तरह भी काम करता है। जब भी आप ये सब लेना शुरू करें दोस्तों, तो आप डाइटिंग पर भी खास ध्यान दें, यानी कि शुगर से दूर ही रहें, 15 दिन करके देखें, फ्राइड चीज़ें ना खाएं, शक्कर ना खाएं, और साथ ही साथ में जो भी मिठाइयाँ वो बिल्कुल ना खाएं, खाने की जो क्वांटिटी है उसे जस्ट आधा कर दें। अगर अभी आप 2 रोटी एक बार में खा रहे हैं तो आप एक एक रोटी करके खाइए, 3-3, 4-4 घंटे के अंतर में खाइए, और थोड़ा सा बिजी रखें खुद को, जिससे कि जो आपका खाना है वो अच्छे से पच सके। और आप इस चाय को 2 से 3 बार लीजिए, तो जैसे ही 2 मिनट हो जाएंगे इसे हम इस तरीके से निकाल देंगे। अब जो ये टी बैग है ये हमारे किसी काम का नहीं है, तो अब देख पा रहे हैं ना अभी कैसे कलर एकदम चेंज हो गया, और हमारी जो ये चाय है यानी ग्रीन टी है, ये मैजिक ड्रिंक है, जो फैट कटर ड्रिंक है, ये तैयार हो चुकी है। आप इसे एंजॉय कीजिएगा ज़रूर, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइएगा दोस्तों। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।